अब हम जा रहे हैं वली में। अब मैं आपको वो पैलेस दिखा रही हूँ जहाँ पे वलीमा हुआ है, तो विजिट करें और इंजॉय करें। हाजिर होती हूँ मैं कुछ देर के बाद। दूल्हा दुल्हन दोनों अपना फोटो शूट करवा रहे हैं और ये पैलेस के बाहर खड़े हैं। अभी गाड़ी से उतरे हैं तो चलें। अब हम भी एंटर हो रहे हैं तो आगे दुल्हन अंदर जा रही है और साथ दूल्हा मियाँ भी है। दूल्हा का नाम मैं बता दूं, उमर नाम है दूल्हे का। तो चलें, उमर और महनूर अंदर जा रहे हैं पैलेस के अंदर, स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये पैलेस के अंदर एंटर हो चुके हैं उमर और महनूर। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी भांजी का ड्रेस देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे ये कपल, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। माशाल्लाह कह दीजिएगा व्यूवर्स, माशाल्लाह कह दीजिएगा। अच्छी चीजों को देखकर, अच्छे चेहरों को देखकर, चेहरे तो मैंने दिखाए नहीं है फिर भी माशाल्लाह कह दीजिएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ता। और माशाल्लाह के साथ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इसमें भी आपका कुछ नहीं जाता। व्यूअर्स, हम भी पहुंच चुके हैं, हमारे लिए भी उन्होंने एक स्पेशल सेटअप किया हुआ था बैठने के लिए, दुल्हन के यानी पेरेंट्स के लिए, दुल्हन के यानी जो भी आए हैं बीच के उनके लिए एक अलग सेटअप था। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। महनूर और उमर दोनों खड़े हैं और उनका वेलकम किया जा रहा है। ये देखें आतिशबाजियाँ छोड़ी गई हैं, इतना प्यारा वो व्यू था मैं आपको बता नहीं सकती। तो व्यूअर्स ये देखें, साइडों से पता नहीं उन्होंने क्या किया, कितना वो धुआं वगैरह उठ रहा और इतना प्यारा वो व्यू लग रहा है मुझे उनके वेलकम के लिए जो उन्होंने किया हुआ है। और बहुत प्यारा स्टेज भी माशाल्लाह बहुत प्यारा सजाया है उन्होंने, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। इंतजार हुआ ख़त्म, खाना लग चुका है, सब खाना खाने में मसरूफ हो गए हैं, बच्चे भी खाना खा रहे हैं और खाना भी बहुत अच्छा है, टेस्टी है। और मैं तो व्यूवर्स आपको पता कि मैं तो, मेरा तो चैनल है कुकिंग का, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, माशाल्लाह A1 खाना है। और सिस्टर की तरफ से भी नंबर वन था और इधर से भी नंबर वन है, तारीफ़ के लायक है, सब खाना खा रहे हैं। और व्यूवर्स सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी जब हम आए हैं मानूर के वलीमे पे, जो इन्होंने वो वेटर थे बड़ी बड़ी ट्रे में उन्होंने वो ग्लास रखे हुए थे, वो समझ नहीं आई थी वो लस्सी थी मीठी या शेक था। अभी मैंने अपने नवासे से पूछा तो वो कह रहा था नानो वो मैंगो शेक था। और आप यकीन करें क्या टेस्ट था उसका, ज़बरदस्त। तो चले खाना खाते हैं। सारे खाने और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, दूल्हे मेरी बहन जी है, दूल्हा आउट ऑफ कंट्री यूके से आया, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने देखा। अभी मैं आपको विजिट करवाती हूँ शादी आपका, ये देखिए माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा इन्होंने दिया, बहुत अच्छी अरेंजमेंट की हुई थी। तो भी बस फंक्शन ख़त्म हो चुका है, अब हम जा रहे हैं घर वापस, मानूर और उमर भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो चलें घर चलते हैं, घर सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ चुके हैं, रात काफ़ी हो चुकी है और पैलेस की लाइटें भी बंद हो चुकी हैं, बड़ी मुश्किलों से उनसे हमने 10 मिनट लिए थे। तो चलें अब हम भी गाड़ियों में बैठ चुके हैं और ये मानूर बातें कर रही है अपने कज़न से महविश से। तो चलें हम घर जा रहे हैं, मैं
उसको लेकर मानूर को और उमर। व्यूअर्स ये देखें, कजन कजन का कितना प्यार है, आपस में साथ जुड़ के बैठी हुई हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, इसी तरह कजनों का प्यार बरकरार रखे। और ये ऊपर एहसन और उसकी मामी है, उन्होंने एक फोटो शूट अपना खींचा, माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, और हाथों में वो बुके पकड़े हुए हैं उन्होंने, ये वो अफसाने देने थे उसको मानूर को और उमर को, तो ये बुके उन्होंने हाथों में पकड़े हुए हैं। और ये ऊपर जनाब तैयब और हाशिम खड़े हैं, और ये भी खड़े हैं दोनों, और ये किसी बात पे बहुत खिलखिला कर हंस रहे हैं। पता नहीं इनको क्या बात याद आई है, कौन इनको क्या स्टेज में ऐसी क्या चीज़ नज़र आई है कि जो ये दोनों हंस रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किसको देकर हंस रहे हैं। और जनाब ये भी खड़े हैं आपस में, इन्होंने फोटोशूट अपना खींचा हुआ है। और जनाब ये तैयब की फैमिली है, बच्चे हैं माशाल्लाह। और ये एक्शन देखें हमारी रमीन का और हूरजान का देखें, और पीछे तैयब के पास हुसैन खड़ा है। और जनाब ये हैं घर के सरबराह हाजी असलम साहब, यानी मेरे हस्बैंड खड़े हैं, और साथ हमारा बड़ा बेटा खड़ा है तैयब। तो जनाब ये है, ये दोनों तैयब और अक्सर स्टेज की तरफ गए हैं, और ये उनको सलामी दे रहे हैं, बुके पकड़ा रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं। तो जनाब ये आप मेरी पूरी वीडियो आपने लाजमी देखनी है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताएं कि आज की आपको ये वीडियो कैसी। ये देखें, आप सोच रहे होंगे ये कैटी कहाँ से आ गई, तो ये जनाब ये महानूर ने घर में पाली हुई है। जब से कल से महानूर गई थी ससुराल अपने अपने यानी अपने घर गई थी, तो ये कैटी ने कुछ नहीं खाया था, बस उदास उदास सी थी। अभी हम घर वलीमे से घर आए हैं तो कैटी ऐसे भागकर मानूर के पास आई है, मानूर ने गोद में उठा लिया, और इतनी खुश हो रही है मानूर देखकर कैटी को, और कैटी भी बहुत खुश हो रही है। तो ये देखें, ये भी बस एक प्यार होता है, इंसान जानवर से भी प्यार करे तो जानवर भी इंसान से उसी तरह प्यार करता है। तो ये बहुत अच्छा लगा, और घर वाले बार बार उसे खाना दे रहे थे, वो खा ही नहीं रही थी कल से। तो ये देखें अब माशाल्लाह घर हम आ गए हैं, तो अभी ये लोग वापस चले जाएंगे, तकरीबन रात को ही चले जाएंगे वापस, 2-3 बजे चले जाएंगे वापस। वो जो मकलावा एक रस्म होती है वो आएंगे घर वाले, तो ये फिर इंशाल्लाह वापस चले जाएंगे। तो चले व्यूवर्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट टाइम नए ब्लॉग के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। शादी का फंक्शन ख़त्म हुआ, नेक दुआओं के साथ।